वड्डा साहिब है आप अलख अपारा, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, सोने नक जिन लंबड़े वाला, और कंचन काइया सोने कैसा शरीर आपका, कंचन काइया और सोने की ढाला, सोने की तरह है आपका सुंदर शरीर जो है सोने जैसा है, तो निराकार की तरह गया फिर वो। और सोवन ढाला कृष्ण माला, जप हु तुसी सले हिलो, बंके लोयन दंत रिसाला। फिर क्या बताता है, क्या लिखा कि जम द्वार न होई खड़िया, सिख सुनो में ही लिहो वाणी। फिर लिखा कि हंसा हंसा बग्गा बग्गा, लह मन जी की जाला, और बंके लोयन दंत रिसाला। और फिर आपको और दिखाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह लिखा है, बागे कापड़ और बोले बैन बताओ। और फिर भी नहीं हो कहीं राधा स्वामी वाले भगवान निराकार, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रखा है निराकार। अब देखिएगा ये पृष्ठ 1257 पन्ना पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के, बागे कापड़ बोले बैन, बागे माने सफ़ेद बुगले जैसे, बुग नुकारा से सफ़ेद बुग पैर रहा भाई, बागे कपड़ बोले बैन सफ़ेद कपड़े और बोले, और लंबा नक काले तेरे नैन, लंबा नक और काले तेरे नैन, कब हु साहिब देखा बैन, नानक साहिब जी कह रहे हैं मैला पहला ही है। फिर कहे उड़ा उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे तान, जल थल डूंगर देख्या तीर, थान थनंतर साहेब वीर। वैसे यहाँ साहेब कबीर है, यहाँ थान थनंतर साहेब वीर, इस श्लोक में इस शब्द में दो बार वीर लिखा है। ये महापुरुष की वाणी है, किसी आम व्यक्ति की नहीं, जिसमें किसी भी शब्द में दो बार अंत में एक वर्ण नहीं आता। थान थनंतर साहेब वीर, साहेब कबीर लिखा होना चाहिए था यहाँ पर। फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बंधा धीर, ज्यों विखाले त्यों वेखा वीर। ये दो बार वीर आ गया दो सेंटेंसों में, यहाँ देखना था इसमें, ज्यों विखाले त्यों देखा वीर, और वहाँ लिखना था थान थनांतर साहेब कबीर। न ईतन जाएगा न जाएगा खम्भ, पौन पानी अग्नि संबंध, नानक कर्म हुए जपिए कर गुरु पीर, सच्चा समावे हुए अमीर। और भी बहुत सी, फिर आगे इसी पृष्ठ पे 1257 पर स्पष्ट लिखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप भ्रम भुलावे। जिस वो निरंकार, ये निरंकार मान प्रकाश है, प्रकाश ने, और ये कहें वो निरंकार आकार है, और उस प्रकाश के अंदर वो विष्णु भगवान बैठे हैं। विष्णु का अर्थ ये त्रिलोक की विष्णु नहीं है, यहाँ पर संतों की वाणी में इसका तो रोल नहीं होता। विष्णु का अर्थ होता सर्व पालक, कुल का मालिक। तो विष्णु जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी होता है, और होम मिनिस्टर प्रांत का भी होता है। तो यहाँ होम मिनिस्टर, ये सेंटर वाले की बात कर रहे समझ लो, प्रधानमंत्री की। और भी बहुत से प्रमाण है आपको दिखाते हैं। आए हाय क्या लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तुल जावे, और जा की संगत नानक रेंदा, केवें मोंडा पावे। यह प्रश्न नंबर 731 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आपे कंडा और तोल तराजी, आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बुझे, आपे है बनजारा, आपे है बनजारा, अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तुल जावे, ताकि संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। बोलो सतगुरुदेव।
प्रश्न नंबर 1039 पर लिखा है, ये जो हमारे शरीर के अंदर पांच प्रधान है ना, इन प्रधानों यानी मूल कमल में, स्वाद चक्र में, नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल में, इनके विषय में लिखा है 1039 पृष्ठ पर। इसमें लिखा है कि देही नगरी उत्तम थाना, ये देही शरीर रूपी नगरी उत्तम स्थान है, और पंच लोक बसे प्रधाना, ये पांच लोका के प्रधान इसके इनसे कनेक्टेड हैं, जैसे चैनल बने होते हैं। ये है राग है मारु साले और महला पहला 1039 पृष्ठ पे। आगे प्रश्न नंबर 1040 पर लिखा है कि पंच शब्द जुणकार निरालम पर भी आपे वाई सुनाइया। अब ये अनहद नादु बाजर उन जुन जुनकारे राम तेरे मनोर मेरा मनु। फिर क्या बताया है कि बिन सतगुर बैठे मुक्ति ना हुई। मैं लापेला 946 पृष्ठ पर स्पष्ट किया कि गुरु बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और फिर है प्रश्न नंबर 879 पर, मन ही जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुरु भाई, और नानक तिनके सद बलिहारी जिन एक शब्द ले लाई। कहते ये पांच जो शब्द हैं ये वो शब्द नहीं है, अलंकार ओंकार नहीं, ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये इन पंच प्रधानों के हैं, और इनसे फिर कहें सतगुरु मिले तो, और हमें सतगुरु मिलिया दीक्षा दीनी, तो ये इस इन बातों से कंसेप्ट क्लियर हो गया गुरु ग्रंथ साहिब से भी और ये जन्म साखी से भी, स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया।